प्यारे देशवासियों, आज बिहार में कोसी बेसिन के जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षापात के कारण जल संसाधन विभाग द्वारा चेतावनी संवाद दिया गया है। अतः सतर्क रहें, सावधान रहें, कहीं आज की रात काली रात ना हो जाए। तटीय इलाके कोसी और गंगा के सावधान हो जाएं, अपने पशु मवेशी अपने जान माल की रक्षा करें। आइए इस संदर्भ में एक पत्र देखते हैं। 27/9/2024 को यह पत्र जारी हुआ है। सभी जिला पदाधिकारी को सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, रिपीट किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, नवगछिया। कोसी बेसिन के जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षापात के कारण चेतावनी संवाद। विगत 24 घंटों में कोसी नदी बेसिन में नेपाल प्रभाग स्थित विभिन्न रेन गेज स्टेशनों पर अत्यधिक वर्षापात दर्ज हुई है, जिसके कारण कोसी नदी के जलस्राव एवं जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना है। साथ ही बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र अनिसाबाद पटना द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 28 सितंबर 2024 के अपराह्न 12 बजे यानी दिन के 12 बजे कोसी नदी का जलस्रव वीरपुर बराज से 6,81,639 लाख क्यूसेक जलस्राव प्रवाहित होने की संभावना है, जिससे आकस्मिक एवं अकस्मात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जलस्राव में उक्त पूर्वानुमानित अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप निम्न प्रवाह के तटबंधों संरचनाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ने की संभावना है तथा कटाव, सीपेज, पाइपिंग, अंडर माइनिंग, ओवर टाइपिंग, फ्लैश फ्लड आदि होने की संभावना भी हो सकती है। उक्त के मद्देनज़र बाढ़ आपदा के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक एहतियात कदम उठाई जाए तथा तटबंध के नदी भाग के आवासितों को इसकी सूचना देते हुए यथोचित कार्रवाई की जाए। साथ ही बाढ़ आपदा के लिए जिला स्तर पर गठित दल की लगातार गश्ती सुनिश्चित कराई जाए। 27/9/24 प्रधान सचिव जिला संसाधन विभाग पटना। अतः इस संवाद के आलोक में मेरा कहना है कि आप जहाँ भी हैं सतर्क रहें, जगे रहें और अपने जान माल, अपने प्रियजनों, जानवर मवेशी की रक्षा करें, अपने खाद्य सामग्री की इकट्ठा करें और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।